नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। झाइयां चेहरे पर अभिशाप की तरह होती है, किसी भी सुंदर चेहरे पर ये चांद में दाग की तरह होती है। झाइयों के अनेक कारण हो सकते हैं। झाइयों का उपचार करने से पहले उन कारणों की जांच कर लेना बहुत आवश्यक है। अक्सर तनाव, चिंता, गहन सोच, कब्ज, धूप, अशुद्ध खानपान इसके प्रमुख वजहों में से एक होती है। झाइयों को खत्म करने के साथ साथ इन कारणों को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। पर दोस्तों, अगर आप भी झाइयों से परेशान हैं, तो ज्यादा चिंता ना करिए। आज के इस पैकेज में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे ही बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सर्दी के मौसम में हल्के गर्म दूध से मालिश करें। गर्मी के मौसम में रात को सोने से पहले दही की मलाई से मालिश करें, फिर 15 मिनट बाद इसे धोकर सो जाएं। इससे रूखापन, झाइयां और दाग मिट जाते हैं। एक दिन का बासी मट्ठा सुबह नहाने से पहले चेहरे पर मलें और 10 मिनट बाद स्नान कर लें। इससे झाइयां और झुर्रियां मिट जाती हैं। नींबू मलने से भी झाइयां व दाग ठीक होते हैं तथा चेहरे पर चमक व निखार आ जाता है। 30 ग्राम गुलाब जल में नींबू निचोड़कर तथा उसमें थोड़ी कस्तूरी व ग्लिसरिन मिला दें। नहाने से एक घंटे पहले मुंह व गर्दन पर मलें। नहाते समय गरम गरम पानी से मुंह धोकर ठंडे पानी के छींटे मारें। फिर तौलिए से त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें, परंतु साबुन का इस्तेमाल ना करें। इससे झाइयां दूर होती हैं तथा त्वचा कोमल बनती है। चेहरे की झाइयां और झुर्रियों को मिटाने के लिए नींबू का रस और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं तथा नियम पूर्वक जैतून के तेल से चेहरे पर मालिश अवश्य करें। महीन हल्दी को आग के दूध में मिलाकर पतला उबटन बनाकर रात को सोते समय झाइयों पर लेप करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका चेहरा एकदम चमकता दमकता हो गया है। यदि एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक कप मूली का रस निकालकर सेवन करें, तो चेहरे के सारे दाग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। गेहूं का चोकर लगभग 100 ग्राम लेकर उसे शाम को एक प्याले में भिगोकर रख दें, फिर सुबह उसे मलकर चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे मुहासे और चेहरे के दागों से छुटकारा मिल सकता है। जामुन की गुठलियों को स्वच्छ और चिकने पत्थर पर घिसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे दूर होते हैं और झाइयों से भरा चेहरा एकदम साफ हो जाता है। चंपा के पुष्प, छाल और पत्तों को पानी में पीसकर मालिश या उबटन करने से झाइयां दूर होती हैं। इसके फूलों को नींबू के रस में पीसकर मलने से भी मुंह की झाइयां दूर होती हैं। कलौंजी को सिरके में पीसकर रात के समय मुंह पर लेप करके प्रातःकाल धो लें। इससे मुहासे मिटते हैं। इसी लेप से त्वचा के सफेद दाग भी मिट जाते हैं। शहद को नमक और सिरके में मिलाकर मलने से भी झाइयों से छुटकारा मिलता है। मसूर को नींबू के रस के साथ पीसकर लेप करने से भी चेहरे की झाइयां मिट जाती हैं। समुद्री झाग को गुलाब के तेल में मिलाकर मलने से चेहरे की झाइयां भी मिटती हैं। मसूर की दाल इतने पानी में भिगोएं कि वो भीग कर उस पानी को अच्छी तरह सोख ले, फिर अगले दिन उस दाल को पीसकर दूध या दही में मिलाकर सुबह 2 बार चेहरे पर लगाकर मलें, फिर कुछ देर बाद गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। इस उपाय से आपके चेहरे की चमक दुगनी हो जाएगी। 30-40 ग्राम अजवाइन बारीक पीसकर 25 से 30 ग्राम दही में मिलाकर रात को मुहासों पर लगाएं, फिर अगली सुबह गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। इसका नतीजा बेहद चमत्कारी है। इस उपाय से आपके मुहासे साफ हो जाएंगे। इस प्रयोग से चेहरा भी दमक उठेगा और आंखों के नीचे उभरने वाले धब्बे हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने चेहरे की झाइयों से परेशान हैं, तो हमारे बताए हुए नुस्खों का इस्तेमाल करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।